सो गाइस आज हम आ चुके हैं सोनीपत मॉडल टाउन फॉरेन कंट्री किचन में। तो चलिए देखते हैं यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। तो भैया आपका नाम क्या है? दीपांशु सर। दीपांशु, तो आपकी शॉप की स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी तो सर अपनी तीन चार हैं, जैसे चिल्ली चना हो गया, चिल्ली गोभी होगी, चिल्ली मशरूम हो गया था। अच्छा, हमारा जो स्पेशल में होता है स्पेशल में चॉकलेट मोमोज है। ओके, चॉकलेट वगैरह जो सोनीपत में नहीं है। आई थिंक कुरकुरे मोमोज तो बेसिकली कई जगह से अभी चले हुए हैं। फिर आ जाते हैं अमेरिकन चॉप्स जो सोनीपत में नहीं है, चाइनीज चॉप्स जो सोनीपत में नहीं है। फाइव सिक्स आइटम्स जो है हमारे पास यूनिक सोनीपत में, लेकिन यूनिक है। अच्छा, तो ये जो आपकी शॉप है कितने सालों से है? वन ईयर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके दिमाग में? एक्चुअली एक मेरे फ्रेंड हैं जो दुबई में हैं। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि कुछ अगर यूनिक करना है, एकदम से कुछ करना है, तो ये चीज़ आपको ऑप्शन चुनना पड़ेगा। अच्छा, तो आज आप हमारे लिए क्या लगाने वाले हो भैया? सर आइटम देखो एज अ चॉइस है, आज हम वैसे आपको चिल्ली चना लगाते हैं। तो आज भैया हमारे लिए स्पेशली चिल्ली चना बनाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए भैया, इसमें अपने वाइट डॉलर के छोले होते हैं ये। अच्छा, हाँ, इनकी क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है। अच्छा भैया, इसमें मिक्स किया है हमने स्वीट कॉर्न। अच्छा, स्वीट कॉर्न को भी हमने पहले बॉइल किया। अच्छा, इसको मैरिनेशन करने के लिए इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे सर। ये कॉर्नफ्लोर डाल गया, ठीक है। इसको मिक्स, ये ब्लैक पेपर, ओके, चाट मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट, हल्का सा सॉल्ट, ये अपनी स्पेशल छुट्टी करा देते हैं। इसके लिए थोड़ा घी, थोड़ा अदरक, थोड़ा जीरा। अब इस मैरिनेशन को हम फ्राई करने के लिए तेल में डिप करेंगे। ठीक है, ये अपना चना फ्राई हो चुका है सर। अच्छा, इसके बाद आपको लगा के दिखाएंगे। ओके, अब डालेंगे सर इसमें बटर। तो अब डालने जा रहा है अमूल का बटर। हाँ जी, ये सर चॉप गार्लिक, चॉपिंग गार्लिक, ये अपना जिंजर पेस्ट, ये गार्लिक पेस्ट, ये ग्रीन चिली पेस्ट, ये सब चिली कटिंग। ओके, ये चाइनीज कटिंग, भैया इसको बनने में कितना टाइम लगता है लगभग कंप्लीट डिश तैयार होने में? 5-7 मिनट में रेडी हो जाएगा ये। अच्छा, ये हल्का सा वाटर डाल दिया भैया ने, पानी भी सर हम फ्रेश ही यूज़ करते हैं। अच्छा, हाँ जी, अब सॉसेज की बात करेंगे सर। ये कॉमन सॉस है ग्रीन। ओके, हाँ जी, रेड सॉस। हाँ जी, हल्का सा विनेगर, ब्लैक पेपर एंड टमाटो प्यूरी। तो स्पेशल की बात कर रहे हैं, ये हमारी स्पेशल सॉस है। अच्छा, ये होममेड होती है भैया? ये होममेड हमारी। ओके, खुद की बनाई हुई है। और एक ये सॉस है जो हमारी खुद की बनाई हुई है। ओके, करेंगे सर हल्का सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर। हाँ जी,
ये क्या डाला भैया? अच्छा, ब्लैक सिरका। ये अपने फ्राइड छोले आलू। ओके, देन मिक्स। तो ये ऊपर से क्या डाला भैया आपने? सर ये स्प्रिंग ओनियन। ओके, मिक्स है। तो हो चुका है भैया ये रेडी है सर। ये किस चीज की टॉपिंग है भैया? ये सर व्हाइट तिल होते हैं। ओके ओके ओके, स्प्रिंग ओनियन। ओके, तो हमारा चिली चना हो चुका है भैया, चलिए टेस्ट करते हैं। जो चने हैं वो काफ़ी अच्छे से बॉइल्ड है और फ्राइड भी है। जो भी मसाले डाले भैया ने काफ़ी अच्छे से टेस्ट आ रहा है। ना ज़्यादा स्पाइसी है, ना ही ज़्यादा ऑयली है। हालांकि इन्होंने डीप फ्राई किया था, बट फिर भी ज़्यादा ऑयली नहीं है। 110 रुपए में इस तरह की अच्छी सी डिश मिलना बहुत मुश्किल होता है। बट मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप 110 रुपए मतलब वर्थ है अगर आप यहाँ पर आते हो। ठीक है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। यदि आप सोनीपत में हो या सोनीपत में रहते हो तो ज़रूर आप एक बार यहाँ पे विजिट करना शॉप पे। शॉप का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ पे, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। हाँ, हर दो दिन में एक बार आ जाते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, हर दो दिन में आते हो? हाँ, हर दो तीन दिन में अच्छा आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोनीपत में इससे बढ़िया मोमोज, फ्राइड पनीर मोमोज कहीं नहीं मिलता। अच्छा, इस चीज़ की मेरी तरफ से गारंटी है। और ऑलिव ऑयल में बनते हैं, स्पेशलिटी इसकी यही खास है कि ऑलिव ऑयल में ये बनते हैं। अच्छा, और भैया बता रहे थे कि ये वाइट सॉस वो होममेड होती है, तो आपको कैसी लगी? बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब होता है कि होममेड में कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और इसको स्पाइसी चाहिए तो मोमोज की चटनी बहुत उसके लिए परफेक्ट है। तो भैया आप कुकिंग की लाइन में कैसे आए? सर एक्चुअली 4-5 साल पहले मैं होटल मैनेजमेंट में भी था। अच्छा। हाँ, तो जब मेरे फ्रेंड ने मेरे को एडवाइस करी तो बस वो अधूरा रह गया था। बट मैंने सोचा कि इस टाइप का कुछ करते हैं, अगर कुछ HM मैंने कोर्स भी किया हुआ है तो मैंने सोचा कि इस लाइन में आना बेटर होगा। अच्छा, हाँ जी सर। तो कितने सालों से कर रहे हो आप? मैक्सिमम सर हो गए हैं, मेरे को 2-3 साल हो गए हैं। अच्छा, यहाँ से पहले भी आप कहीं पे करते थे? हाँ, काम नहीं करता था, बट 1-1.5 साल से एक्सपेरिमेंट चलते रहते थे कुछ ना कुछ। अच्छा। तो शॉप की टाइमिंग क्या रहती है भैया? 11 to 11 रहती है सर अपनी शॉप की टाइमिंग। अच्छा सर, प्रॉपर एड्रेस तो ऐसे है सर, ये अपना मॉडल टाउन है सोनीपत में, ओल्ड इस रोड मॉडल टाउन सोनीपत। टाइमिंग 11 to 11 रहती है सर हमारी।